जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र जिगर कॉलोनी के सी ब्लॉक में एक जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये भूमि कम्युनिटी सेंटर की जगह है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है, उसका बैनामा कराया है। जमीन पर निर्माण को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जानकारी लगते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। तहसील की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जमीन की पैमाइश में जुट गई। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी के रहने वाले राजकुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आवास विकास के द्वारा कॉलोनी का लेआउट पास किया गया है। इसमें कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह है, जिसमें काफ़ी समय से कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे पक्ष राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन 12-13 लोगों के नाम थी, जिनसे हमने बैनामा कर लिया है। कई बार इस ज़मीन की पैमाइश हो चुकी है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। वहीं आज इस ज़मीन के विवाद को लेकर फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ ही तहसील की टीम भी मौके पर पहुंची और ज़मीन की पैमाइश और जांच पड़ताल में जुट गई। सर, ये ज़मीन है और ये भूमिधर से मालिक थी जो लेट से थी। 12-13 लोग थे, इन लोगों से हमने बैनामा करा लिया और पैमाइश के आधार पर 2-3 बार पैमाइश हो चुकी है और उसके आधार पर सारी रिपोर्टें हमारे तहसील की और SDM साहब की, सारी रिपोर्टें DM साहब की और कमिश्नर साहब की हमारे पक्ष में है। पूरा क्या मामला, कोई कोर्ट में भी चल रहा था? कोई मामला नहीं, कोर्ट में कोई मामला नहीं। मतलब यहाँ के लोग जो आरोपी लगा रहे हैं, ये जनकल्याण समिति वाले हैं, ये कहते हैं हमारा नंबर है, हम ये कहते हैं हमारा नंबर है, सारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में। ये यहाँ आवास विकास द्वारा इसका लेआउट पास किया गया है कॉलोनी का, इसमें कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह है। इस पर बहुत समय से भूमाफियाओं का निगाह रही है, जिसमें प्रशासन द्वारा हम लोग के सहयोग से उसको निष्फल किया जाता रहा है। वर्तमान में कोई राहुल नामक व्यक्ति है, वो बार बार यहाँ अप्रोच करता है और 408 नंबर जो जलमग्न है और बहुत बड़ा खाता है, जिसमें कई सौ लोग खातेदार हैं, जलमग्न भूमि है, उसको दर्शाते हुए इस भूमि को अपना बताते हुए क्लेम करते हैं। इस पर कुछ माह पहले पैमाइश हुई थी, जब यहाँ जिलाधिकारी सदर श्री परमानंद सिंह थे, उन्होंने पूरी टीम भेज के इसकी पैमाइश कराई थी, जिसमें ये पाई गई थी कि ये जगह 408 नहीं है और ये कम्युनिटी सेंटर की जगह है। आज पुनः इस राहुल और इसके सहयोगी कुछ भूमाफियाओं ने कहीं अधिकारीगण से कोई दरखास्त दी कि साहब ये हमारी भूमि है, तो उसके लिए तहसील से टीम आई है और थाना सिविल लाइन से भी लोग आए हैं और इसके लिए पैमाइश के लिए वो आए हैं। हम तो कॉलोनी वासी इस राहुल और इसके साथियों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और इस दौर में भी जब प्रशासन किसी भी भूमाफिया को अलाउ नहीं करता, इस प्रकार का दुस्साहस वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। और ये हम कॉलोनी वासी ये भी मांग करते हैं कि प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से, ये बार बार जो पैमाइश के बाद भी ये हरकतें की जा रही हैं, इसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए, जिससे भूमाफिया हतोत्साहित हो और इस प्रकार सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने का प्रयास ना करें। कितनी जगह होगी लगभग? ये जगह करीब करीब 1800 मीटर के करीब जगह है और जिस पर ये धर्मशाला ओवली कम्युनिटी सेंटर, इसके लिए एक सार्वजनिक उपयोग के लिए लेआउट में स्पष्ट दर्ज है।